हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरा धनिया की सब्ज़ी। यहाँ पर हरा धनिया मैंने एक मुट्ठी भर लिया है, पत्ते पत्ते चुन के लिए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। तेल डाला है 3 टेबल स्पून। प्याज इस तरह से मैंने लंबे आकार में कट करके लिए हैं। प्याज को हमें यहाँ पे अच्छे से तेल में सुनहरा कलर होने तक पका लेना है। प्याज का अच्छे से कलर चेंज हो गया है, सुनहरा कलर आ गया है, तो हम प्याज को निकाल कर साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने खोबरे का बुरादा लिया है, एक छोटी कटोरी। अब उस बुरादे को भी हमें अच्छे से उसी कढ़ाई में अच्छे से सुनहरा कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो खोबरे का भी कलर चेंज हो गया है। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्सर में बारीक पेस्ट बना लेंगे। उसमें मैंने डाला है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो बारीक पेस्ट बना लेंगे हम। अब उसी कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून तेल डाला है मैंने। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा उसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों को हम तेल में अच्छे से मिला देंगे। अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तेल में मसालों को हमें अच्छे से 1 मिनट तक भून लेना है। जैसे ही तेल बाहर आना शुरू हो जाएगा, मसालों में से सेपरेट अलग हो जाएगा, तो अब हम डालेंगे पानी। 1 ग्लास मैंने यहाँ पर पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। मैंने यहाँ पर जीरा दरदरा कूट लिया है तो जीरा भी डालेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच। इन सब को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस के फ्लेम को धीमा रख के हम साइड में रख देंगे। उधर पानी में उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। यहाँ दूसरे बाउल में मैंने लिया है हरा धनिया। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है हरे धनिया में। तो बेसन मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार ले आप लाल मिर्च पाउडर। नमक, गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर। इन सबको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल काफ़ी कम ही करना है। यहाँ पर 4 चम्मच लगे हैं मुझे बेसन का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह से हम लोई बना लेंगे, छोटी छोटी लोई बनाकर प्लेट में साइड में रख देंगे। पानी भी अच्छे से यहाँ पर उबल गया है। पानी जैसे ही उबल गया है तो इस तरह से मैंने जो लोई बनाई है हरे धने की उसमें हम डाल देंगे। एक एक कर से आराम से डालिए। अब गैस के फ्लेम यहाँ पे मीडियम से मीडियम ही है तो थोड़ा सा हम फ्लेम बढ़ा देंगे। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। देखें, हमें 5 मिनट के बाद ही अच्छे से मिक्स करना है। तुरंत लोहिया डालने के बाद चम्मच से मिक्स ना करें, नहीं तो पूरी सब्ज़ी मिक्स हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हरे धने की सब्ज़ी। आपको रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। बाय बाय।